शमिता शेट्टी के वकील है करण जौहर। कल के एपिसोड के बाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें हो रही हैं कि एक लड़की तो बोल भी नहीं सकती और एक जितना चाहे बात कर सकती है, उसके टोन पर कोई सवाल नहीं उठाता। आप समझ ही गए होंगे कि करण जौहर ने जो कल किया है वीकेंड गवार में, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर करण को शमिता का वकील बताया जा रहा है। कई यूजर्स जो है आगे आए, एक ने लिखा करण के साथ बात करने का हक सिर्फ शमिता को ही है। इसके अलावा एक यूजर ने यह भी लिखा कि करण जौहर खुद को फेयर कहते हैं लेकिन वो हर वक्त शमिता के पर्सनल होस्ट बने हुए नजर आते हैं। वहीं रिद्धिमा और करण नाथ जो है कल एलिमिनेट हो गए, लेकिन कल का शो अगर आप देखें तो कल भी मैंने तो फर्स्ट एपिसोड के बाद ही पिछले हफ्ते भी ये बोल दिया था कि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि शमिता को फेवर किया जा रहा है। कई ऐसी बातें हैं जो शमिता ने कही। शमिता और निशांत का जो झगड़ा हुआ था उसमें बताया शमिता को कि गलत है, लेकिन कितने प्यार से बताया। अगर वही गलती दिव्या या किसी और ने की होती तो क्या इसी प्यार से करण जौहर उनसे बात करते, कहते कि तुम तो टास्क बीच में छोड़ के चली गई, रोने लग गई, तुमसे एक टास्क नहीं हुआ, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो जिस तरीके से शमिता से बात की जा रही है, क्या बाकी कंटेस्टेंट से की जा रही है? दिव्या को लेकर जिस तरीके से कल बात की गई, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी आगे आए हैं और उन्होंने दिव्या को सपोर्ट किया है। जिशान को जिस तरीके से छोटा दिखाया गया उसको लेकर भी लोग आगे आए हैं, सेलिब्रिटीज आगे आए हैं और जिशान को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं।